नमस्कार, मैं सुरेंद्र कटोच आपका फैसला ब्यूरो प्रमुख हमीरपुर कोरोना की ताजा अपडेट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आपको बता दूं कि आज 4 महिलाओं समेत 8 लोग पॉजिटिव आए हैं और इस दौरान 77 वर्षीय बुजुर्ग ने कोरोना से जंग भी जीत ली है। 8 मामलों के साथ अब तक जिला में 347 मामले कोरोना के हो गए हैं। इनमें से 56 सक्रिय मामले चल रहे हैं। तीन लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई है। आज के मामलों में मैं आपको बता दूं कि 4 महिलाओं समेत कुल 8 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक सहित 2 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हो गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि शुक्रवार रात को जिला में 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव पाए गए सभी लोग पहले से ही गृह संगरोधक में रह रहे थे। इनमें से हमीरपुर तहसील के गांव नेरी का 50 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। वह 28 जुलाई को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से आया था। 29 जुलाई को चंडीगढ़ से आई बीड बगेड़ा क्षेत्र के गांव बहरू की 53 वर्षीय महिला, 25 जुलाई को जलंधर से आया चौरी क्षेत्र के गांव सपाल का 32 वर्षीय व्यक्ति और 31 जुलाई को बिहार के मुजफ्फरपुर से आया जंगल वैरी क्षेत्र के सुमोना गांव का 38 वर्षीय व्यक्ति भी पॉजिटिव पाया गया है। गांव गलोट कलां डाघर चंगेर का 57 वर्षीय व्यक्ति भी संक्रमित पाया गया है। वह 1 अगस्त को लुधियाना से आया था। इनके अलावा धनेटा क्षेत्र के गांव घलोल की 3 महिलाओं की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। 22, 56 और 32 वर्षीय ये तीनों महिलाएं 31 जुलाई को गाजियाबाद से आई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि स्वस्थ हुए 2 लोगों में भोरन तहसील के गांव डबरेड़ा की 18 वर्षीय युवति और गांव घरान डागर बगवाड़ा का 77 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक भी शामिल है। ये दोनों NIT स्थित कोविड केयर सेंटर में उपचाराधीन थे। डॉक्टर सोनी ने यह भी बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या अब 348 हो गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि इनमें से 251 लोग ठीक भी हो गए हैं। जिला में इस समय कोरोना संक्रमण के 56 एक्टिव मामले हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिला के विभिन्न चिकित्सक खंडों को से नियमित रूप से सैंपल लिए जा रहे हैं। शुक्रवार को भी विभिन्न ब्लॉकों में से 251 सैंपल लिए गए। इनमें से भोरन से 45, बड़सर से 41, टर्नी देवी से 14, सुजानपुरटीरा से 80, नदौन से 46, गलोट से 20 और मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 5 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। तो ये थी कोरोना को लेकर अपडेट। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।